पर विजय के मौके पर हृदय की गहराइयों से हमारे जो 9 कार्यकर्ता कम्युनिस्ट हिंसा के साथ संघर्ष करते करते शहीद हुए हैं, उनको और उनके परिवारों को भी मैं आज याद करना उचित मानता हूं। मित्रों, हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष, त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री विप्लव देव, नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री विशासोले लिग्वू जी, श्री मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्रीबूम लिंगदो जी, ये तीनों को मैं बधाई देता हूं। एक सफल चुनाव का उन्होंने नेतृत्व किया है। श्री राम माधव जी, श्री सुनील देवधर जी, श्री हेमंत शर्मा जी, श्री नलिन कोहली जी, श्री किरण रिज्जू जी और अल्फोंस जी को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये सारे हमारे कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। मित्रों, जब 2014 के चुनाव में हम गए, तब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कहा था कि देश के पश्चिमी हिस्से का विकास तो बहुत हो चुका है, मगर पूर्वी हिस्सा कोई न कोई कारणों से और उत्तर पूर्व विकास से महरूम रहेगा है, विकास से अछूता रहेगा है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्व के अंदर हम विकास को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के तुरंत ही बाद ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास को पहुंचाने की शुरुआत की। मुरारजी देसाई के बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग शिलोंग के अंदर करने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। हर 15 दिन में केंद्र सरकार के एक मंत्री किसी न किसी राज्य के अंदर अपना दौरा विकास कार्यक्रमों के तहत कर रहे थे। पैसा तो हर बार आवंटित होता था, मोदी जी के नेतृत्व और सफल नीतियों के कारण पैसा विकास में परिवर्तित होने लगा और वहां पर विकास पहुंचा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों की ही जीत है और उस पर आज नॉर्थ ईस्ट की ये तीनों राज्यों ने बड़ी मोहर लगाई है। जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1.3% मतलब 1.3% वोट मिला था, एक भी सीट नहीं थी और सिर्फ एक सीट पर जमानत हमारी बची थी। उससे छलांग लगाकर आज एनडीए की 43 सीट हुई है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हुई है और हम लगभग 50% के वोट को क्रॉस कर चुके हैं। ये कंटिन्यूअसली मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा चुनाव है, गुजरात, हिमाचल और त्रिपुरा जहां 49 से 50% तक वोट हमें मिला है। मैं मानता हूं चुनावी राजनीति में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में बड़े डटकर कम्युनिस्ट हिंसा का सामना किया और कई कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हुए, मगर हर बूथ को उन्होंने बुनकर आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। वहां हमारी पार्टी ने नारा दिया था चलो पलटाई, त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया है। त्रिपुरा की जनता ने आज वहां भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं एक बात यहां स्पष्ट करना उचित मानता हूं, भले भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत हो, हमारी परंपरा के अनुसार हम साथी दल को सरकार में साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, उनके भी मंत्री हमारी सरकार में हिस्सेदार होंगे। नागालैंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 2013 के चुनाव में 1.8% वोट मिला था और एक सीट मिली थी, आज उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली हैं और 12.1% वोट सिर्फ 15 सीटों पर मिला है, सिर्फ 15 सीटों पर 12.1% वोट मिला है और एनडीए के वोट का योग करते हैं तो 37.8% वोट अब तक मिल चुका है, अभी काउंटिंग कुछ सीटों पर चालू है। मेघालय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमारे साथी दलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है और वहां पर भी परिवर्तन का जनादेश हमें दिखाया है, दिखाई पड़ता है। मेघालय के अंदर हमारे साथी दलों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और कांग्रेस को वहां पर बहुमत नहीं मिला है। मैं मानता हूं ये तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले कर्नाटक
और 2019 के चुनाव के परिणाम के द्योतक है, उसके परिचायक है। एक जमाना था जब माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, मगर आज महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, बहुत सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है और कर्नाटक के लिए हम बहुत बड़े विजय के लिए तैयारी के साथ कर्नाटक के चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर आनंद है तो हमारे बंगाल और केरल के कार्यकर्ताओं को आनंद है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने सालों तक वाम दल की हिंसा की राजनीति को झेला है और हमारे कई कार्यकर्ता वहां पर शहीद हुए हैं। मित्रों, त्रिपुरा की जीत अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। तीनों राज्यों में कांग्रेस को नकारा गया है। त्रिपुरा और नागालैंड को कांग्रेस को जीरो सीट मिली है, खाता नहीं खुला है कांग्रेस पार्टी का, और ढेर सारी सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। यही बताता है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। जहां तक लेफ्ट पार्टी का सवाल है, ये सिद्ध हो चुका है लेफ्ट भारत के किसी भी हिस्से के लिए राइट नहीं है, लेफ्ट को कोई पसंद नहीं करता है। ये तय हो चुका है, पहले पश्चिम बंगाल और अब त्रिपुरा, दोनों जगह से इनकी विदाई। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उदय का निशानी है। बहुत सारे हिस्सों में हम पहले ही उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और उत्तर पूर्व में जो हमारा विजय हुआ है, इससे लगता है कि एक हम पर ताना विशेषकर आप सभी लोग मीडिया के लोग लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। लद्दाख में भी हमारा सांसद है, केरल में भी हमारा सांसद है, कोहिमा में भी हमारा राज है और अब कच्छ में भी हमारा राज है। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा अखिल भारतीय स्वरूप आज दुनिया के सामने आया है। मित्रों, मैं आज के दिन किसी पर तंज कसना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चली, विशेषकर गरीब तबकों के लिए जिस प्रकार से काम किया, पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों के लिए काम किया, इसका ये नतीजा है हमारी जीत। आज ये सारे तीन राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, ट्राइबल बहुल राज्य है, और त्रिपुरा के अंदर 20 ट्राइबल सीटों में से 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी कंबाइंड जीता है। मैं मानता हूं ये बड़े बहुत बड़े शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी और नॉर्थ ईस्ट और देश के लिए है। 20 की 20 रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे साथी दल ने जीती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आगे आने वाले चुनाव के लिए स्वाभाविक रूप से हमारी हौसला इससे बढ़ता है। कर्नाटक के अंदर हमारा पूरा कर्नाटक यूनिट आत्मविश्वास से भरपूर था, मगर ये तीनों राज्यों के विजय ने मुझे लगता है उनका हौसला बहुत बढ़ाया है। ढेर सारे कार्यकर्ताओं के कर्नाटक से बधाई के, अभिनंदन के फोन आते हैं और केरल और पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता का आनंद तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो ही जान सकता है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर शांति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत प्रयास किया था, सफल प्रयास किया, और एक प्रकार से ये जो मोहर लगी है भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी जी के शांति बनाने के प्रयास पर, वो बताती है कि नॉर्थ ईस्ट की जनता को विकास चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की जनता को शांति चाहिए। संघर्ष से, खूनी बदले की भावना की राजनीति से नॉर्थ ईस्ट बाहर आना चाहता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और जिस प्रकार के परिणाम है, क्योंकि मेघालय में थोड़ा हंग टाइप का असेंबली है, अगर मेघालय को न भी गिने तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए होकर 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हुई है और देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर और आबादी पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त करी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से
हम आगे बढ़े, हमारी सरकार आगे बढ़ी। विश्व में जिस प्रकार से भारत ने अपने गौरव को प्रस्थापित किया, सीमाओं को सुरक्षित किया, महंगाई पर जिस प्रकार की लगाम लगाई है, मुझे लगता है पूरे देश भर में जितने भी चुनाव हमारी सरकार आने के बाद हुए, बहुत सारे चुनाव में हम जीते हैं। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल और अब ये तीन राज्य इसके अंदर, ये सूची के अंदर शुमार होते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर सरकार कैसी चल रही है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई थर्मोमीटर होता है तो वो जनादेश होता है। एक के बाद एक जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। मैं आज पार्टी की ओर से जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भव्य विजय की हृदय से बधाइयां देता हूं। पांच पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शायद जिस विजय की राह देख रहा था, वो विजय आज हमें प्राप्त हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में ये विजय की परंपरा बरकरार रहेगी, इतना भरोसा मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिलाकर मेरी बात समाप्त करता हूं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे पहला बड़ा कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए पैसे आवंटित होते थे मगर विकास नहीं होता था। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में विकास होने लगा तो त्रिपुरा की जनता को भी लगा कि हमें विकास यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो रिक्तता थी, बूथ कमेटियां हमारी नहीं थी, शक्ति केंद्र नहीं थे, तहसील इकाइयां नहीं थी, वो सारों का गठन कर एक मजबूत संगठन बनाया। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का योद्धा तैनात था, यही ये परिवर्तन का कारण है। और जिस प्रकार से एक विफल सरकार 25 साल तक चली, विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पर त्रिपुरा की जनता ने भरोसा किया, मोदी जी पर भरोसा किया, इसी का परिणाम है।